हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यहाँ देखने वाले हैं एचएस वर्सेस एसजी ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, यानी कि गाइस जो आपको एचएस वर्सेस एसजी के बीच में यहाँ पर साफ पिज़्ज़ा क्रिकेट लीग T20 का कल का जो सेकंड मैच खिलाया था दिखेगा। इस मैच को गाइस आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। और गाइस आपको इस मैच की फुल डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहें। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो गाइस आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, साथ में और भी काफ़ी सारे अपडेट्स मिलती है। और वहाँ पर गाइज मैं आपके लिए मैक्सिमम मैचेस भी कवर करता हूँ। तो गाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाई चांस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता है तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना @SK11Expert, कैपिटल लेटर में ही आप सर्च करिएगा। उसके बाद ही गाइज आपको हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें गाइज यहाँ पर ऑलरेडी 3000 के लगभग लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा लेट मत करिए, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए गाइस सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे पहले हम एचएस टीम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये टीम अभी तक टूर्नामेंट में 4 मैचेस खेली है और परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है, मात्र 1 मैच जीती है और 3 मैच हारी है। और लास्ट मैच में इन्होंने क्या किया, जो इनके 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, सबीर नूरी इनके बैटर, जैड अकबरी इनके ऑलराउंडर और साथ में हामिद हसन इस टीम के फास्ट बॉलर, इन तीनों को इन्होंने नहीं खिलाया। तो गाइस अगर टीम चाहे तो इन तीनों को इस मैच में खिला सकती है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तीनों का स्टैट्स मैंने लिख दिया है, जो यहाँ पर तीनों ने यहाँ पर तीनों ने परफॉर्मेंस अपना दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इनके लिए ओपनिंग कर रहे हैं हजरतुल्ला जजाई, साथ में आ रहे हैं जलत खान, 1 डाउन उस्मान नूरी हैं, 2 डाउन यहाँ पर हैं जियाउल हक ईजा खेल, 3 डाउन निसर बहादुर, 4 डाउन अकबर मुसाजी, 6 डाउन यहाँ पर एस रहमान, 6 डाउन एम मूसा हैं, ठीक है, फिर खावरी हैं, आदिल है और यामा अरब है, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं गाइस, मेरे हिसाब से अरब की जगह हामिद हसन आ सकते हैं, साथ में गाइस टीम चाहे तो यहाँ पर जैड अकबरी को भी जियाउल हक ईजा खेल की जगह ला सकती है, ठीक है, और मे बी सबीर नूरे भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस टीम में चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टैट्स डिस्कस करते हैं गाइस। सबसे पहले हम हजरतुल्ला जजाई पर आते हैं, ये 2 मैच काफ़ी अच्छा खेले, सेकेंड वाला जिसमें 32 और साथ में रीसेंट वाला जिसमें 73 रन इन्होंने किए, ठीक है, तो 2 मैच काफ़ी तगड़ा खेले हैं यहाँ पर हजरतुल्ला जदाई। साथ में लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग भी कर ली, जो कि नॉर्मली नहीं करते, ठीक है, और 1 विकेट भी लेकर गए 2 ओवर की बॉलिंग में। जलत खान एक ही मैच खेले जिसमें 34, उस्मान नूरी देखेंगे अच्छा खेले हैं 2 मैच 62 एंड 32, जियाउल हक एक ही मैच खेले जिसमें 11, निसर बहादुर 27 56 एंड 22 नॉट आउट, तो काफ़ी अच्छा खेले ये 3 इनिंग। अकबर मुसाजाई 23 एक ही मैच खेले हैं लेकिन ठीक खेले हैं। शमसुर रहमान यहाँ पर देखेंगे तो 24 नॉट आउट, उसके अलावा कुछ खास नहीं कर पाए और साथ में 9 ओवर की बॉलिंग में कोई विकेट भी नहीं है। मुस्लिम मूसा 15 ओवर की बॉलिंग में 6 विकेट, बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। एफ खाबरी 15 ओवर की बॉलिंग में 5 विकेट, ए आदिल 15 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट और यामा अरब जो कि एक ही मैच खेले हैं 2 ओवर की बॉलिंग में बहुत महंगे थे और कोई विकेट भी नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ से मेरे हिसाब से गाइज हामिद हसन के खेलने के बहुत चांसेस हैं, जिनके नाम पर 12 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट है 3 मैच में, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और काफ़ी कमाल के फास्ट बॉलर है हामिद हसन। तो ये गाइस हमने एचएस टीम के हर एक प्लेयर का स्टैट्स एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यहाँ से अगर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको बताऊं तो यहाँ से गाइस हजरतुल्ला जजाई बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उस्मान नूरी अच्छे प्लेयर हैं, निसर वहादत है इंपॉर्टेंट प्लेयर, ठीक है, और मुस्लिम मूसा हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर, शमसुर रहमान इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एफ खावरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और एहसान आदिल, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। आप इनमें से अगर प्लेयर सेलेक्ट करेंगे गाइस तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम दूसरी टीम पर आते हैं एसजी की टीम पर। ये टीम गाइज अभी तक टूर्नामेंट में 4 मैचेस खेली है, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, 3 जीती है और मात्र 1 हारी है, 1 हारी है, ठीक है। इनके लिए उस्मान घनी ओपनिंग कर रहे हैं इनके कैप्टन, साथ में बाहर सिनवारी, 1 डाउन तमीम सुरखोदी, 2 डाउन पर है नजीबुल्ला जादरान, 3 डाउन इसक रहीमी, 4 डाउन यहाँ पर सरफुद्दीन अशरफ, 5 डाउन आसिफ अफरीदी, 6 डाउन फरीद मलिक, 7 डाउन शौकत जमन, फिर आई नबीद और यामिम अहमद जाए। मुझे गाइज समझ नहीं आया लास्ट मैच में इन्होंने शौकत जमन को इतना नीचे क्यों भेजा, ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं गाइस लेकिन लास्ट मैच में उनको 9वें नंबर पर भेजा, हो सकता है इस मैच में गाइस वो ऊपर आ जाए, तो ये बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब स्टैट्स डिस्कस करें गाइस, तो उस्मान घनी यहाँ पर 66 21 14 और 46, ठीक है, तो ये 3 इनिंग लगभग अच्छा खेले हैं, ठीक है, और वैसे भी गाइस कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको अफगानिस्तान के लिए खेलने का, थोड़ा स्लो खेलते हैं लेकिन जल्दी विकेट देना पसंद नहीं करते हैं। फिर वाहर सिनवारी 1 इनिंग अच्छा खेले 31, ठीक है, तमीम सुरखुरोदी कुछ खास नहीं कर पाए तो हो सकता है इस मैच में ड्रॉप भी हो जाए, नजीबुल्ला
ज़्यादा रन। अभी सबसे अच्छे अफगानिस्तान टीम के वाइट बॉल के बैटर हैं गाइस, मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ, और बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं, 9 not out 51 83, ठीक है। बस एक मैच फ्लॉप गए, इशाक रहीम ही रिसेंट मैच में 15, उसके अलावा कुछ खास नहीं। सरफुद्दीन अशरफ एक ही मैच में बैटिंग आई है जिसमें 20 रन, ठीक है, साथ में 16 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट, ठीक है, ज़्यादा विकेट नहीं मिला लेकिन बॉलिंग अच्छी की है। आसिफ अफरीदी एक ही मैच में इनकी भी बैटिंग आई है जिसमें 12 नॉट आउट, साथ में 16 ओवर की बॉलिंग में 5 विकेट। फरीद मलिक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, रिसेंट में अफगानिस्तान के लिए भी खेले थे, अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, डेथ में भी डालते हैं, 16 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 3 विकेट हैं। शौकत जमन लास्ट मैच बहुत नीचे आए थे, हो सकता है इस मैच में ऊपर आ जाए, काफ़ी अच्छा खेले वैसे, 43 नॉट आउट 24 नॉट आउट 25, ठीक है, तो 3 इनिंग अच्छा खेले हैं। आई नबीद अच्छे लेग स्पिनर, अफगानिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे इस साल, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, इनके नाम पर 15 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट। अहमद जाई 15 ओवर की बॉलिंग में 7 विकेट, ठीक है। तो ये गाइस हमने एसजी टीम के भी हर एक प्लेयर का यहाँ पर स्टैट्स एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर उस्मान घनी इंपॉर्टेंट है, नजीबुल्ला जादरान इंपॉर्टेंट है, सरफुद्दीन अशरफ इंपॉर्टेंट है, आसिफ अफरीदी इंपॉर्टेंट है, फरीद मलिक इंपॉर्टेंट है, शौकत जमन अगर ऊपर आते हैं गाइस बैटिंग करने तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और साथ में यामीम अहमद जाई इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं गाइस, आप इनका ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से अगर आप प्लेयर सेलेक्ट करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये गाइस हमने सारा डेटा इस मैच के रिलेटेड जो हमें डिस्कस करना था हमने एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो होपफुली गाइस वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही हो और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस चीज का वेट करें गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। अब चलिए गाइस यहां पर हम अपनी टीम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस विकेट कीपर सेक्शन पर आएंगे जहां पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, एक ही प्लेयर खेल रहे हैं आई रहीमी, तो सिंपली गाइस आपको इनको ही टीम में लेकर जाना है। अब यहां पर हम आते हैं बैटर सेक्शन पर जहां पर गाइस नजीबुल्ला जादान मस्ट पिक, ठीक है, उस्मान घनी मस्ट पिक और हजरतुल्ला जजाई मस्ट पिक, ठीक है, तीनों मस्ट पिक है गाइस, तीनों काफ़ी कमाल के बैटर्स हैं और तीनों मेरे हिसाब से अपनी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटर्स हैं, तो तीनों को गाइस आपको टीम में लेना बनता है, तो आप तीनों को अपनी टीम में गाइस लेकर ही चलिए, ठीक है, वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो तीनों को मैंने टीम में ले लिया है। फिर गाइस आपके पास उस्मान नूरी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है डिफरेंसर पिक, आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं, 2 इनिंग काफी अच्छा खेले हैं। निसार वहादत भी गाइस अच्छा खेले हैं लेकिन इनको मैं ग्रैंड लीग के लिए ट्राई करने को आपको कहूंगा। शौकत जमन काफी नीचे आ रहे फिर भी कुछ ग्रैंड लीग टीमें ट्राई कर सकते हैं, इनको ज्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, इनको भी ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। यहां से अगर किसी को ट्राई करना हो स्मॉल लीग टीम में तो आप एस नूरी को एज ए डिफरेंसल पिक ट्राई कर सकते हैं, वरना ग्रैंड लीग के लिए वहादत मस्ट पिक है आपके लिए, ठीक है। साथ में शौकत जमन भी अगर बैटिंग में ऊपर आते हैं तो आप उनको भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर जहां पर मुस्लिम मूसा इंपॉर्टेंट है, सरफुद्दीन अशरफ इंपॉर्टेंट है, आसिफ अफरीदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स हैं जो कि आपको रन्स भी करके दे देंगे और साथ में विकटें भी लेंगे गाइस, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों आपको लगभग 4 ओवर की बॉलिंग पूरी करके देंगे, ठीक है। तो तीनों को हमने पिक कर लिया जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर बी अली सिंबारी हैं, ओपनिंग पर हैं, कुछ ज्यादा बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, बॉलिंग तो कर ही नहीं रहे, ठीक है, तो मैं इनको गाइस स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। ग्रैंड लीग में लेना हो ले सकते हैं लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं। ए मूसा जाए एक ही मैच खेले जिसमें ठीक खेले लेकिन फिर भी गाइज मैं उतना ट्राई करने को इनको नहीं कहूंगा, ठीक है। जेड मूसा जाई को भी मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर जहां पर गाइज फरीद अली मेरी ये नंबर वन चॉइस, ओपनिंग में भी डालेंगे साथ में डेथ में डालेंगे, तो इनको मैं सबसे पहले ले रहा हूं। फिर आपके पास अहमद जाई है, ये भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, डेथ में कम डालते हैं गाइज लेकिन विकेट टेकन है, ठीक है, तो इनको भी मैं टीम में लेकर जा रहा हूं। फिर गाइज आपके पास यहां पर एफ खावरी है, काफी अच्छे बॉलर, तो मैं इनको भी टीम में लेकर जा रहा हूं, ठीक है, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। और फिर गाइस आपके पास ऑप्शन बचती है ए आदिल की, जिनको आप चाहे तो टीम में ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइस यहां पर ए मूसा जाई हैं गाइस, आप बैटर चाहते हैं उनको ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस बैटर सेक्शन में भी एक अच्छी यहाँ पर डिफरेंसल पिक है शमसुर रहमान, जो कि बॉलिंग भी कर रहे हैं 3 से 4 ओवर, साथ में बैटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इनको ही अपना फाइनल प्लेयर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में है, आप यहाँ पर उस्मान नूरी को भी चाहें तो ले सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन मैं अभी के लिए गाइस शमसुर रहमान के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मुझे कुछ बॉलिंग करके दे देंगे, ठीक है। बाकी आप चाहें तो टीम में चेंजेस कर सकते हैं, ए आदिल भी आपके पास अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा अगर हामिद हसन खेलते हैं तो वो मस्ट पिक रहेंगे गाइस, आप उनका ध्यान रखिएगा। और साथ में गाइस आई नबीद काफ़ी अच्छे लेग स्पिनर हैं, यहाँ पर लास्ट मैच में तो परफॉर्मेंस नहीं आया, उससे पिछले मैच में मैंने इनको बोला था ग्रैंड लीग में ट्राई करने के लिए और तब ये 3 विकेट भी लेकर गए थे, तो इस मैच में अगेन गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करिएगा, इनमें टैलेंट है और ये अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो ग्रैंड लीग में जरूर कुछ टीम में ट्राई कर लीजिएगा। तो गाइस ये बनता अभी के लिए टीम का प्रीव्यू। अगर मैं सीवीसी की अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करूँ ना तो यहाँ पर आपके पास नजीबुल्ला जादरान, ठीक है, हजरतुल्ला जजाई,
ठीक है। उसके अलावा गाइज सरफुद्दीन अशरफ ये तीन प्लेयर, और गाइज यहाँ पर आपके पास उस्मान घनी, ये चार प्लेयर बेस्ट मेरे हिसाब से CVC का ऑप्शन है। इन चारों में से आप अपना CVC करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मुझसे गाइज अगर आप पूछेंगे यहाँ पर मेरे CVC कौन है, तो मैंने गाइज अपनी कैप्टनसी दी है यहाँ पर सरफुद्दीन अशरफ को, ठीक है, और वाइस कैप्टनसी मैंने दी है नजीबुल्ला जादरान को। मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ गाइज, आपके पास ऑप्शन में हजरतुल्ला जजाई भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, और साथ में AF अफरीदी भी हैं, आप उनको भी कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो आप इन दोनों का भी ध्यान रखिएगा, और आपको इन दोनों को भी CVC करना हो तो आप कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बनता है अभी के लिए टीम का प्रीव्यू। इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है, फाइनल टीम अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें फाइनल टीम अपडेट गाइज आपको मिल जाएगी, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वैसे गाइज मैं आपको टीम कॉपी पेस्ट करना रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी आप एक बार मेरी फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल से जरूर देख लीजिएगा, उससे आइडिया लेकर आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो बहुत जल्द गाइज मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।